बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब हम कोई वीडियो अपलोड करने लगते हैं और उसका टाइटल लिख देते हैं तो सामने ही मेंशन का ऑप्शन आ जाता है कि आप यहां किसी भी चैनल को मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, मेंशन करने का फ़ायदा क्या है और इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और जिस चैनल को हम मेंशन कर रहे होते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है या उसका क्या मकसद होता है। दो जगह पर हम मेंशन कर सकते हैं, नंबर एक टाइटल पर, नंबर दो डिस्क्रिप्शन पर हम मेंशन कर सकते हैं किसी भी चैनल को। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम उस चैनल को मेंशन करें टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को हम मेंशन करें जो हमारे रिलेटेड होता है, जो हमारे टॉपिक के मुताबिक होता है। जैसे मेरा चैनल पोएट्री का है और मैं किसी दूसरे चैनल को जब मेंशन करूंगा तो पोएट्री के चैनल वाले को ही मेंशन करूंगा। अगर कोई आपको मेंशन करता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस बंदे ने मुझे मेंशन कर दिया है? तो इसके लिए मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा और मेंशन करने का फ़ायदा क्या है आपको। YouTube ने ये कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आप किसी भी चैनल को मेंशन करें या किसको ना करें, लेकिन फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपने चैनल के हिसाब से दूसरे को मेंशन करेंगे। आप अगर कोई भी वीडियोस बनाते हैं, कोई भी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में अच्छे अच्छे जो है चैनल हैं, जो जिनकी काफ़ी सारी ऑडियंस है, काफ़ी सारे उसके व्यूअर्स होते हैं, आप उनको ज़रूर मेंशन करें ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिले। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि मेंशन कोई अगर आपको करता है तो आपको वो नज़र कहां से आता है। मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहां पर आपने YouTube की ओरिजिनल जो ऐप है आपने उसको यहां से ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन होगी तो आपका चैनल जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो बेल बनी हुई है, इस बेल पर हम क्लिक करेंगे और बेल पर क्लिक करने के बाद ये आल के साथ यहाँ पर ये जो मेंशन लिखा हुआ है, हम इस मेंशन पर क्लिक कर देंगे तो जिस जिसने आपको मेंशन किया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा।